हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसा कि आपको पता है, जिन बच्चों ने जेई मेंस 2024 के पहले शिफ्ट का पेपर दिया है, उनके मन में कई सारी प्रॉब्लम्स होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि कितने मार्क्स पे हमें कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, क्या कट ऑफ होने वाला है और क्या जेई एडवांस के लिए हम अपियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कई सारे पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होगी, कई सारे पेरेंट्स भी इस समस्या में होंगे कि क्या कट ऑफ होने वाला है और क्या परसेंटाइल्स आएगा, कितने मार्क्स पे। जैसा कि आपको पता है, इस बार जेई मेंस का पेपर किस लेवल पे आया था? मॉडरेट था, इजी था, टफ था। हम वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे और हम इस बेसिस पे भी डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी के हैं। हम सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, किसमें कितना कट ऑफ 2024 जेई में जा सकता है और अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। तो पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने जेई 2024 के एनालिसिस की बात, कि कैसे कितने परसेंटाइल पे, कितने मार्क्स पे, कितने परसेंटाइल जाएगी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा। तो आज का हमारा वीडियो जेई 2024 के उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट किया हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में हमें लास्ट में जानेंगे कि कैसे भाई कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी, क्या आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा पहले शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम शिफ्ट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कौन से शिफ्ट में कितनी कट ऑफ जाई थी और पेपर कैसा आया था, क्या पेपर मॉडरेट आया था, क्या पेपर टफ आया था या फिर पेपर जो है वो इजी आया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि जेई एडवांस के लिए क्या आप अपीयर हो सकते हो, किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो 27 जैन का पेपर हुआ था पहले शिफ्ट का, उसका फिजिक्स का पेपर जो है ना वो काफी ईजी आया था, है ना। फिजिक्स का पेपर इजी था, केमिस्ट्री भी काफी इजी था, केमिस्ट्री सारे ही इजी आए थे और मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट था, मैथ्स मॉडरेट रहता ही है। तो इस बेसिस पे जो ओवरऑल कट ऑफ जाने वाली है चाहिए एडवांस में अपीयर होने के लिए वो 100 to 110 मार्क्स जाएगी। 100 से 110 मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, है ना, उन बच्चों के लिए आप अपीयर हो सकते हो एडवांस के लिए। कट ऑफ कितनी जानी है? 100 से 110 मार्क्स। क्यों? क्योंकि 27 जनवरी पहले शिफ्ट में फिजिक्स का पेपर आसान था, केमिस्ट्री का पेपर भी आसान था, बट मैथ्स का पेपर मॉडरेट था। ये हमने एनालिसिस करा। अब हम बात करते हैं 27 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट की। 27 जनवरी में जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था दोस्तों, उसमें फिजिक्स का पेपर वापस से इजी आया था, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर भी इजी आया था, बट उसमें मैथ्स का पेपर भी क्या गया था, मॉडरेट गया था। बिल्कुल सेम लेवल था 27 जनवरी का पहले और दूसरे शिफ्ट का, इसीलिए ओवरऑल कट ऑफ भी सेम होने वाला है 100 से 110 मार्क्स। 100 से 110 मार्क्स जिन बच्चों का आ रहा है वो सिक्योर है। अब हम बात करते हैं 29 जनवरी की पहले शिफ्ट का पेपर, इसमें थोड़े चेंजेस हैं दोस्तों। 29 जनवरी में जो पहले शिफ्ट में हुआ था फिजिक्स वापस से इजी था, केमिस्ट्री वापस से इजी था और मैथ थोड़ा सा ज्यादा टफ था, है ना, एज कंपेयर टू 27 जनवरी के थोड़ा सा, बट इसको मॉडरेट लेवल ही हमने रखा है, इसलिए कट ऑफ हमने क्या करा है 100 मार्क्स के आसपास रखा है ना, ठीक है, सिमिलर टू 100, 99, 97, 100, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैथ ऊपर आया था। अब देखो जो 29 जनवरी के हम सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में इजी पेपर आया था फिजिक्स में, केमिस्ट्री भी इजी था, बट इस बार मैथ्स टफ गया था, इस बार मैथ्स का पेपर एक्चुअली टफ था, तो इसी मैथ्स ने क्या करा कट ऑफ को काफी नीचे ला दिया 90 to 100 के आसपास। तो कट ऑफ कितना आ रहा है दोस्तों 90 to 100, 90 से लेके 100 मार्क्स के आसपास जिन बच्चों का है वो सिक्योर है, ठीक है। कब हम बात कर रहे हैं 29 जैन की सेकेंड शिफ्ट की। सिमिलरली अब हम बात करेंगे 30 जैन की पहले शिफ्ट की। 30 जनवरी पहले शिफ्ट में अब यहां पर गेम हो गया, फिजिक्स मॉडरेट हो गया, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट हो गया, केमिस्ट्री ने वापस से राह आसान कर दी और मैथ्स भी मॉडरेट हो गया। तो इसका मतलब दो दो सब्जेक्ट क्या हो गए, थोड़े से मुश्किल हो गए, इस वजह से जो कट ऑफ है वो 80 to 100 मार्क्स के आसपास लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, 80 to 100। कहने का मतलब है मॉडरेट लिया आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने बहुत आसान पूछा और मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट था, तो 80 to 100 मार्क्स।
30th जैन में थोड़ा सा सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था दोस्तों, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, मॉडरेट तो पूछा, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, बट मैथ्स अब इसने थोड़ा टफ पूछ दिया। मतलब ये ना सबसे मुश्किल पेपर था पूरे शिफ्ट में, यानी कि 27, 29, 30 और 31 जितने दिन पेपर हुए हैं उनमें सबसे टफ पेपर आया था 30th जनवरी के सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों का। ठीक है, 30 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो बच्चे गए थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट याद रखना यदि टफ पेपर आया है तो परसेंटाइल यानी कट ऑफ भी क्या होगी, नीचे जाएगी। तो इस बार कट ऑफ भी 70 से 80 मार्क्स के आसपास जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 30th जैन सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 31st जैन फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। इसके बेसिस पे क्या होगा, ये इजी इजी पूछा गया था फिजिक्स केमिस्ट्री, बट मैथ्स का जो लेवल था वो टफ था, इसीलिए कट ऑफ जो है हमने 80 to 90 रखा है। ठीक है, समझ में आया? और सिमिलरली 31st जैन को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर पूछा था वो इजी इजी एंड टफ, यानी मैथ टफ था, इसलिए 80 to 90 मार्क्स। तो ये कट ऑफ हमने एनालिसिस करके निकाली है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ना वो दिमाग में रखनी है कि ये 29th जैन की कट ऑफ है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये जो मेरी कट ऑफ है ये वाली ये 27th की है। ठीक है, ये वाली कट ऑफ जो है हमारी ये 29th की है, और ये वाली जो कट ऑफ है ये 30th की है, और ये वाली जो कट ऑफ है बेटा वो 31st की है। अभी हमने फर्स्ट फेब का जो पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस हम इसके अगले स्लाइड में करेंगे, बट ठीक है, बट समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमने क्या देखा कि 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था तो ये 27 जनवरी के पहले शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, 100 से 110 मार्क्स। 27 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का कट ऑफ क्या जाएगा, 100 से 110 मार्क्स। 29th जनवरी के पहले शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा 100 मार्क्स। 29th जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा 90 to 100 मार्क्स। 30th जनवरी के पहले शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा 80 to 100 मार्क्स। 30th जनवरी के सेकंड शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा 70 to 80 मार्क्स। 31st जनवरी के पहले शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा 80 to 90 मार्क्स, एंड 31st जनवरी के सेकंड शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा 80 to 90 मार्क्स। समझ में आया? ये सारे शिफ्ट का हमने कट ऑफ जो है पेपर की एनालिसिस करके आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा शिफ्ट वाइज कट ऑफ, किस शिफ्ट में कितने कट ऑफ आएंगे उसकी बेसिस पे हमने एनालिसिस करी है। आगे हम बात करेंगे अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाला है सर, किस कैटेगरी में कितने कट ऑफ आने वाले हैं, दैट इज क्या आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या आप EWS से बिलोंग करते हो जो कि जनरल में आते हैं जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है, क्या आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसमें नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड कास्टेज में क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन है। तो नॉन क्रीमी लेयर में क्या है आपका कट ऑफ कितना जाएगा, SC के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, ST के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए कट ऑफ कितना जाएगा। और ये हम एनालिसिस करके बता रहे हैं 2023 में एक्चुअल कट ऑफ कितना गया था और 2024 में कितना कट ऑफ जाने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। ठीक है, तो 2024 में कैटेगरी वाइज जिन बच्चों को ये उम्मीद होगी उनके लिए भी हमने एक बना के रखा है कि कैसे आप अपने स्कोर को एनालाइज करते हो, क्या आप सेफ हो, क्या आप आराम से सेकेंड शिफ्ट की तैयारी कर सकते हो या फिर एडवांस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जनरल कैटेगरी के लिए जो 2023 में कट ऑफ था ना 90 मार्क्स का था, पहले शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 90 मार्क्स का कट ऑफ था 2023 में। 2024 में डिफिकल्टी लेवल को देख के हम 92 एनालाइज कर रहे हैं। आप बोलोगे सर 92 क्यों एनालाइज कर रहे हो, पेपर तो टफ। बेटा यस में देखो केमिस्ट्री इसने सारे में आसान पूछे, फिजिक्स ऑलमोस्ट आसान पूछे, मैथ इसने थोड़ा टफ रखा है। ठीक है, इस बेसिस पे मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं हायर लेवल लेके चल रहा हूँ ताकि आप सेफ महसूस करो। मैं बोलने के लिए इसको 85 बोल दूं, 90 बोल दूं, नहीं, मैं 92 मतलब क्या है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में आप रखिएगा। तो कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी के दोस्तों के लिए 90 मार्क्स 2023 में था और 2024 में 92। और EWS के लिए कितना है दोस्तों, EWS के लिए 2023 में 73 पॉइंट, ठीक है ये रहा, EWS के लिए 2023 में 74 था और 2024 में ये 75.02। देखो मैंने कट ऑफ को थोड़ा सा हायर किया है जानबूझ के लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर को देख के।
आप हमेशा ये याद रखना, ये जो हमने प्रेडिक्ट किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, किस लेवल का पेपर आया था एज कम्पेयर टू 2023, उसके बेसिस पे हमने ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। तो इससे हल्का सा आपको हायर ही मिलेगा, जानबूझ के रखा हमने। तो 74 था EWS के लिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनका 10% रिजर्वेशन होता है उनके लिए 74 था 2023 में, 2024 में ये 75.02 तक जा सकता है। सिमिलरली जो ओबीसी के हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के, ओबीसी में दो होते हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो रिजर्वेशन मिलती है उसके बेसिस पे जो कट ऑफ गया था 2023 में 73.6 गया था, 2024 में मैं 74 रख के चल रहा हूँ। कहने को 75 भी हो सकता है बट 74 बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बेसिस पे थोड़ा सा ज्यादा था। एससी कैटेगरी के दोस्तों के लिए 50.09 था 2023 में, 2024 में ये 52 जा सकता है, थोड़ा सा हाइयर जाएगा। एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए 37.2 था, अभी ये 39 जा सकता है, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इतना जा सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस बार 2024 में कट ऑफ कितना जा सकता है भाई, ये जनरल कैटेगरी का है, ये जनरल ईडब्ल्यूएस है, ये अपना जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये एससी, ये एसटी, ये फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, तो दिस कट ऑफ इज व्हाट फॉर जनरल कैटेगरी 2024 के लिए, दिस कट ऑफ इज व्हाट फॉर जनरल कैटेगरी फॉर 2024, एंड दिस इज फॉर जनरल बट ईडब्ल्यूएस, है ना। और ये जो 74 आया है ना वो ओबीसी है बेटा, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। और ये मेरा एससी कैटेगरी के दोस्तों के लिए है, एससी कैटेगरी के जो अपने स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है, और ये मेरा एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए, ठीक है। तो अब एक बार मैं वापस से आपको रिकैप करके रिवाइज कर देता हूँ कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। जो हमारा जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 2024 में 92 कट ऑफ जा सकता है, जो जनरल हैं बट ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 75.02 कट ऑफ जा सकता है 2024 में पहले शिफ्ट में जेई मेंस के। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए उनके लिए 74 जा सकता है दोस्तों, 74 कट ऑफ। जो एससी कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए 52 जा सकता है, और जो एसटी कैटेगरी के लिए उनके लिए 39 जा सकता है। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, जनरल के लिए 92, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए 75.02, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 74, एससी के लिए 52 एंड एसटी के लिए कितना 39। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट करी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो है। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बच्चों को काफी वो होती है, इंतजार होता है, दैट इज सर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या है, मतलब हमने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं और उस बेसिस पे हमारी परसेंटाइल कितने बनेगी। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। पहले में जो पेपर होना है जेई मेंस का पहले शिफ्ट में, उसकी बात हम करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। दोस्तों इसको भी हमने एनालिसिस करा है, और एनालिसिस करके हमने प्रॉपर रिसर्च करके ये आपके लिए लेके आए हैं कि कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल जानी है। तो ध्यान से देखिएगा, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल जानी है उसके बेसिस पे हमने ये बनाया है आपके लिए। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर ठीक है, देखिए 100 परसेंटाइल 265 से 280, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 में जिन बच्चों के 300 आ गए, 300 में जिन बच्चों के 300 आ गए ना, उनका तो भाई 100 परसेंटाइल होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ सिंस मैथ्स का, भाई जिन बच्चों के 300 आ रहे हैं उनके तो 100 परसेंटाइल होंगे ही, बट सारे बच्चे ऐसे हो नहीं सकते, तो 265 से 280 के बीच में क्या रहेगा, 100 परसेंटाइल रहेगा, ठीक है। ये तो खैर डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज 90, जिसके 200 से 220 मार्क्स बन रहे हैं, जिन बच्चों ने घर आके आंसर की से अपने मार्क्स मिलाए हैं उनके 200 से 220 मार्क्स बन रहे हैं, उनका 99.2 परसेंटाइल बनेगा इस ईयर, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिन बच्चों के 170 से 190 मार्क्स आ रहे हैं उनका 99 परसेंटाइल बनेगा, जिन बच्चों के 140 से 160 मार्क्स आ रहे हैं उनका 98 परसेंटाइल बनेगा, जिन बच्चों के 120 से 140 आ रहे हैं उनका 97 परसेंटाइल बनेगा, जिन बच्चों के 110 से 120 आ रहे हैं उनका 96 परसेंटाइल बनेगा, जिन बच्चों के 105 से 110 आ रहे हैं उनका
95% बनेगा, जिन बच्चों के 100 से 105 आ रहे हैं उनका 93% बनेगा, और जिन बच्चों के 90 से 100 आ रहे हैं उनका 92% बनेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, 90 to 100 18 to 90 का मैंने सेम रखा है, ठीक है, और 70 से 80 वाले जो बच्चे हैं उनका 91% बनेगा, तो इनमें तो कॉलेज मिलना से रहा आपको, ठीक है। तो हमने ये प्रेडिक्ट किया है कि कितने परसेंटाइल पे बेटा कितने आपके बन सकते हैं मार्क्स और कितने आपके आ सकते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आपकी आ सकती है। तो इसको ध्यान से देखना और समझना कि हमने क्या आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज अच्छे से समझ के, है ना, इस कैटेगरी वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को ध्यान से देखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिस इज मार्क्स 100% परसेंटाइल के लिए हमने क्या लिया, दिस इज फॉर 100% परसेंटाइल, हमने 100% परसेंटाइल के लिए कितने लिए 265 टू 280, और 90 परसेंटाइल के लिए और 99.2 लिया हमने 200 से कितने के लिए, 200 से 220 के लिए, 170 से 190 जिनके आ रहे हैं उनके लिए हमने परसेंटाइल प्रेडिक्ट किया है कितना 99 परसेंटाइल, ठीक है, और 140 से 160 के लिए हमने प्रेडिक्ट किया है 98 परसेंटाइल, ठीक है, और 120 से 140 के लिए हमने 98%, ठीक है, 120 से 140 के लिए 97 परसेंटाइल, ठीक है दोस्तों, और 100 से लेके 110 से लेके 120 मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं उनके लिए हमने प्रेडिक्ट किया है 96 परसेंटाइल, और 105 से 110 जिन बच्चों के आ रहे हैं उनके लिए हमने 95 परसेंटाइल, और 100 से 105 के बीच में जो दोस्त हैं हमारे उनके लिए 95 परसेंटाइल, उनके लिए हमने प्रेडिक्ट किया है बिल्कुल आसान है 93 परसेंटाइल। कोई घबराने की बात नहीं है, इसलिए ध्यान से अपने स्कोर देखो, एनालाइज करो और सेकेंड शिफ्ट की तैयारी करो। 90 से 100 जिन बच्चों के आ रहे हैं दोस्तों उनके लिए हमने 92 परसेंटाइल प्रेडिक्ट किया है। सिमिलरली हमने 80 टू 90 वालों के लिए भी 92 परसेंटाइल और 70 टू 80 वाले के लिए भी 92 परसेंटाइल प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिस इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की एनालिसिस है 2024 के जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है अपना जनवरी में, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने क्या एनालाइज करा दोस्तों कि 265 टू 280 मार्क्स 100 परसेंटाइल तक जाएगा, 200 टू 220 99.2 परसेंटाइल तक जाएगा, 170 से 190 वाले 99 परसेंटाइल के बीच में रहेंगे, 140 से 160 98 परसेंटाइल के बीच में रहेंगे, 120 से 140 97 परसेंटाइल, 110 से 120 96 परसेंटाइल, 105 से 110 95 परसेंटाइल, 100 से 105 93 परसेंटाइल, 90 से 100 92 परसेंटाइल, 80 से 92 परसेंटाइल एंड 70 से 80 92 परसेंटाइल। तो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की हमारी क्या है बेटा एनालिसिस है। अब हमने एक बार देख लिया ये, अब आपको ध्यान से देखना है कि पहले शिफ्ट में जो जो गलती हुई है अप्रैल वाले शिफ्ट में प्लीज उसको दोहराना मत, ठीक है। अभी अपने मार्क्स को एनालिसिस करो, जो बच्चों का सेफ स्कोर है वो बच्चे तो अपने आराम से एडवांस की तैयारी करें, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में उसको और बेटर करें। जिन बच्चों के थोड़े से कम रह गए हैं ना उनको थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है कि कैसे आप मार्क्स को इम्प्रूव करोगे। इसमें हमारे वीडियोस आपको आपके काम आएंगे, हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जिनमें हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सकते हो सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में जो कि अप्रैल में होना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसमें एनालिसिस करिएगा कि आपकी आप में कमी कहाँ रह गई, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।